भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। यमराज राजमहल में पहुंचे राजा को लेने के लिए, राजा का नंबर आ गया। और जैसे ही यमराज राजमहल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, झरोखे पे दो कबूतर बैठे हैं, बड़ा गुटरगू कर रहे हैं, बड़े गोल गोल घूम रहा है कबूतर, बड़ी मस्ती कर रहा है। राजा ने, यमराज ने कबूतर की तरफ देखा, कबूतर सकपका गया। उसने कहा, यार यमराज देख रहे हैं, इसका मतलब खेल। यमराज देखे, मुस्कुराए, अंदर चले गए। दूसरा दोस्त कबूतर बैठा था, उसने कहा, यार जी यमराज मुझे देख के हंसा क्यों? बोले, यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा नंबर आ गया, यमराज की दृष्टि पड़ी है तुझ पर, आज तेरा आखिरी दिन है। कबूतर के तो होश उड़ गए। उसने कहा, मेरे दोस्त कुछ बता, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ दिन जीना चाहता हूं, कुछ उपाय बता। तो नादान था वो कबूतर, वकील रहा होगा। अब वकीलों की सलाह तो ऐसे ही होती है। वकील ने कहा, एक काम कर, उड़ जा, जब तक यमराज राजमहल से वापस लौटे। इतने दूर उड़ना, इतने दूर उड़ना कि यमराज को ढूंढने में 5-10 साल तो लग जाए, तू उड़ सकता है? कबूतर ने कहा, मैं उड़ जाऊंगा। कबूतर ने पंख फैलाए, उड़ गया। इतनी दूर उड़ा, इतनी दूर उड़ा कि शायद जिंदगी में इतना नहीं उड़ा होगा जितना उस दिन कबूतर उड़ करके एक जंगल में जाके बैठ गया। कहते हैं कि यमराज राजमहल से जब लौटे, झरोखे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। दूसरे कबूतर ने पूछा, यमराज अंदर गए तो बात समझ में आई, आप मुस्कुराए, लौट के आए फिर मुस्कुराए, बात क्या है इसमें, मुस्कुराने की के बाद क्या बात है झरोखे में? यमराज ने कहा, वो तेरे साथ बैठा था ना एक और। बोले, हाँ। बोले, कहाँ गया? बोले, जब मैं अंदर आया था तो उसे देख के मुस्कुराया था। बोले, कारण क्या था? बोले, मुझे हंसी इसलिए आई, बड़ा गुटरगू कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है पागल, थोड़ी देर बाद तो तुझे दुनिया से जाना है, इसलिए मुझे हंसी आई कि कितना नादान है, मौत से बेखबर होकर के जी रहा है। लौट के क्यों मुस्कुराए यमराज? बोले, लौट के इसलिए मुस्कुराया कि आज हंसी मुझे इसलिए आई कि झरोखे में बैठा है, मरना तो इसी जंगल में है, यहाँ काय के लिए बैठा है। और लौट के इसलिए हंसी आई कि जहां उसे मरना था, नादान उड़ के खुद वहां पहुंच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए। मैं तो ढूंढता, इसे लेके जाता, वो खुद उड़ के चला गया, मरना तो उसे वहीं पर था। कहां बचोगे मौत से जब तुम कहते हो ना, अपोलो ले चलो, फलाने अस्पताल ले चलो, बोलते हो ना मरते समय, इस अस्पताल में ले चलो, बंबई ले चलो, ये तुम नहीं बोलते हो, ये मौत बुलवाती है। क्योंकि मौत जानती है तुझे कौन सी अस्पताल के, कौन से नंबर के कमरे में, कौन से नंबर के बेड पे मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आदमी स्वयं चल करके वहां पहुंच जाता है। कहां बचोगे? जहां भी मरोगे मौत इंतजार करेगी, ध्यान रखना, बच नहीं सकते जिंदगी। चले जाना बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, तुम नहीं गए, मौत बुला रही है। जानना, आदमी की बुद्धि वैसे ही हो जाती है। एक बात याद रखना, मरते समय अस्पताल गए तो जिंदगी का अच्छा जीवन अंत नहीं होता, और मरते समय किसी संत के चरण में चले गए तो मरना भी अमरता को प्रदान कराया दिया करता है, जीवन को सार्थक कर दिया करता है। सोचना है आपको, क्या जिंदगी जीना, घिसट घिसट के 100 साल जी लिए, क्या हुआ हमारे जीवन से? वृथा जिए, वृथा मरे। कुछ किया है हमने अपनी जिंदगी में अमरता के लिए? कुछ तो कर। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा, स्कूल क्यों जाते हो?
बोले पढ़ने के लिए जाता हूँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बता स्कूल क्यों जाते हैं? बोले पढ़ने जाता हूँ। मैंने कहा पढ़ता क्यों है? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनता क्यों है? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाता क्यों है? बोले खाने के लिए। मैंने कहा खाता क्यों है? बोले जीने के लिए। और जब मैंने उससे पूछा कि जीता क्यों है, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था मेरे भाई। वो भी बच्चा कोई और नहीं, वो आप सब हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप जीते क्यों हो, तो बच्चा तो छोड़ो, बड़ों बड़ों का भी इसका उत्तर मालूम नहीं हुआ करता है। बड़े बड़े चौंक चुप हो जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से पूछना। जीने के लिए भोजन करते हो, लेकिन कभी पूछना कि मैं जी क्यों रहा हूं, ध्यान रखना। तो कुछ लोग कहेंगे सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहे हैं। और एक बच्चे ने तो और बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैंने कहा जीते क्यों हो? तो बोले मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं। अब ये जीना भी कोई जीना है मेरे भाई? आत्महत्या करने की ताकत नहीं है इसलिए मैं जी रहा हूं? बड़ा भद्दा चरित्र है ये तुम्हारे जीवन का। मान्यवर, सांसों के लिए जी रहे हो? नहीं मेरे भाई, कुछ जियो जिंदगी में। क्या जीवन जीते हैं हम? सोमवार को पैदा होते हैं, मंगलवार को बड़े हो जाते हैं, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार हो जाते हैं, शनिवार को अस्पताल चले जाते हैं, और रविवार को दुनिया से। ये सातों दिन बेकार किए तूने, ध्यान रखना। फिर क्या करेगा जिंदगी में? हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, पांव थे मिले कि स्वर्ग भूमि पे उतार दूं, पांव थे मिले कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े गुवार देखते रहे। हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ध्यान रख, क्या किया हमने जिंदगी में? खाया पिया मौज मस्ती की, दुनिया से विदा हो।